Did you know Paris, Milan, London and New York are known as the fashion capitals of the world? In शहरों में न सिर्फ बड़े बड़े fashion events होते हैं, बल्कि these cities are known to offer best education facilities and environment for other artists and aspiring and professional fashion designers in the world. Hello friends, हम हैं Indian Design League. We help amateurs, professionals, experts and entrepreneurs to turn their specialized knowledge, talents and abilities into a career and business that works so well that they can live a lifestyle that they want and achieve peace of mind, financial freedom and a career for life. अब ये चार cities fashion capitals हैं, इसका मतलब सबसे हटके और original fashion apparels एंड एक्सेसरी सबसे प्रेफरेबल वही डिस्प्ले होते हैं. इसका एक रीजन ये भी है बिकॉज दे आर द मोस्ट प्रेफर्ड सिटीज बाय सम ऑफ द लीडिंग फैशन ब्रांड्स इन द वर्ल्ड टू शोकेस देयर लेटेस्ट कलेक्शंस थ्रू फैशन वीक्स. और इन फैशन शोज में दिखाए गए कलेक्शंस, डिजाइंस, पैटर्न्स, कलर कॉम्बिनेशंस विद इन अ फ्यू वीक्स एक ट्रेंड बन जाते हैं. तो क्या इसका मतलब ये है कि डिजाइनर्स ट्रेंड्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं? स्ट्रेट आंसर वुड बी यस. जी हाँ, बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जो फैशन वीक्स एंड अदर फैशन इवेंट्स होते हैं वहाँ पे यूजुअली डिजाइनर्स के कलेक्शंस डिस्प्ले किए जाते हैं. एक कलेक्शन और शो के पीछे काफी बैक स्टेज मेहनत होती है. कोई भी कलेक्शन डिजाइन करने के लिए इट रिक्वायर्स रिग्रस रिसर्च राइट फ्रॉम कस्टमर प्रेफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ कलर, टेक्सचर, मटेरियल, प्राइस, लोकेलिटी और रीजन. और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एज ग्रुप. एंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू फोरकास्ट ट्रेंड्स. द फैशन फोरकास्टिंग कोर्स अ डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिजाइंड बाय इंडियन डिजाइन लीग इज स्ट्रेटेजिकली डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज एंड टॉपिक्स जिससे यू विल अंडरस्टैंड विच फैक्टर्स इंडिविजुअल्स, फैशन डिजाइनर्स, स्टाइलिस्ट्स, मैनेजर्स एंड ब्लॉगर्स नीड टू नो टू बिकम अ फोरकास्टर. द फैशन इंडस्ट्री ऑलवेज सीम्स फैसिनेटिंग, राइट? तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपके ज्ञान का भंडार अभी भरने वाला है. लेट अस टेक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ व्हाट ऑल इज कवर्ड इन दिस कोर्स. टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू फैशन फोरकास्टिंग. This video not only introduces you to fashion forecasting but also covers an overview of key roles of a fashion forecaster and how they can help brands, labels, designers, bloggers and other fashion enthusiasts reach their consumers through product development and various marketing activities. Topic number 2, fashion statements. ये टर्म तो हमने काफी बार सुनी है, लेकिन कभी सोचा है ये होते क्या है और कौन से फैक्टर्स इन स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं? Well, this topic explains it all. It covers 7 basic fashion statements and the 9 segments that influence fashion trends. Topic 3, role of a fashion forecaster. हम जब भी कोर्स में एनरोल करते हैं या फिर इंटरेस्टिंग सीखते हैं, believe it or not, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कोर्स से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में डेफिनेटली जानने की कोशिश करते हैं. एंड हियर वी प्रेजेंट द फूड टू यू इन अ प्लेट. दिस टॉपिक कवर्स द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फैशन फोरकास्टर. टॉपिक नंबर 4, इनोवेशन एंड नोवेल्टी. कभी सोचा है ट्रेंड्स इवॉल्व कैसे होते हैं और इस ग्लैमरस सी फैशन इंडस्ट्री में इनोवेशन की क्या अहमियत है? Enroll in the course and find out for yourself. Topic number 5, theories of fashion adoption. Fashion adoption की कई theories हैं. इस topic में एक trend society के अलग-अलग socio-economic level से कैसे transform या आगे बढ़ता है, ये cover किया गया है. ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस topic में cover की गई है. Topic number 6, fashion eras. वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक फैशन ट्रेंड फेमस था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दूसरा. इस वीडियो में ऐसे कई डिफरेंट फैशन एरास की जानकारी है. हाउ डिड द ट्रेंड्स इन पर्टिकुलर एरास इवॉल्व एंड व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ सच एरास ऑन इमर्जिंग कंटेम्पररी ट्रेंड्स. टॉपिक नंबर 7, सब कल्चरल फैशन. साउंड्स डिफरेंट, साउंड्स इंट्रीगिंग. कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव एंड साइन अप नाउ टू नो मोर. टॉपिक नंबर 8, द ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री.
Fashion Capital's Popular Fashion Week, How to Keep an Eye on the Evolving Trends, ये सब इस टॉपिक में इनकॉर्पोरेटेड है. टॉपिक नंबर 9, कलर फोरकास्टिंग. आहा, कलर्स फैशन इंडस्ट्री का काफी अहम हिस्सा है. कलर फोरकास्टिंग इंक्लूड्स स्टडिंग कलर ट्रेंड्स थ्रू द टाइमलाइन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स एंड क्रिएटिंग अ न्यू कलर पैलेट अकॉर्डिंगली. टॉपिक 10, टेक्सटाइल फोरकास्टिंग. टेक्सटाइल्स आर एट द कोर ऑफ फैशन डिजाइनिंग और इस टॉपिक से यू विल लर्न द फैक्टर्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल फोरकास्टिंग and how to recognize its trends in terms of pattern, color and style. Topic number 11, inspiration, theme and mood. The title says it all. Imagine aap kahin gaye ho, kuch padha ho, kuch dekha ho and that inspires you. Now designing a themed and an expressive collection from your inspiration can be really challenging. And that's exactly what is covered in this topic. Topic 12, consumer research. Yes, this is important for every fashion forecaster. Consumer research data कैसे gather किया जाता है? इसके factors इस video में in detail बताया गया है along with some examples. अब आप ये सोचेंगे ये research क्यों जरूरी है? इसका simple answer है for product development and product marketing. IDL के fashion forecasting course से आप सीखेंगे बहुत कुछ. बात होगी ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री की, फैशन स्टेटमेंट्स और सब कल्चरल फैशन की, हाउ टू कन्वर्ट इंस्पिरेशन इनटू थीम्ड एंड एक्सप्रेसिव कलेक्शंस की और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की. ये तो बस एक बड़ी कहानी की छोटी सी झलक है. इंडियन डिजाइन लीग का ये फैशन फोरकास्टिंग कोर्स स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया है जिससे स्टूडेंट्स को जरूरी जानकारी मिले अबाउट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फैशन फोरकास्टर. Understand how to research and forecast different trends in terms of color, textiles, fashion statements, evolving trends, and how to collect consumer data for product development, brand marketing, and retailing. एक इमारत ऊंची सालों साल ऊंची टिक पाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत होती है. And that's exactly what we intend to do with this course. Additionally, आपको Indian Design League के resources का access मिलेगा, वो भी absolutely free. तो देर किस बात की, आज ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ पहला कदम लीजिए एंड लेट योर आर्ट स्पीक थ्रू. एनरोल नाउ एंड बिगिन योर जर्नी टू बिकमिंग अ रिमार्केबल आर्टिस्ट.